नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। शुक्रवार को क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में गिरावट आई है। सुबह 9:35 तक ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप 4.11% गिरकर $1.73 trillion रह गया। बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनु और टेरा लूना में भी गिरावट देखी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा की सराहना की। भारतीय छात्र जो उत्तर पूर्वी यूक्रेनी शहर सुमी में फंसे हुए थे, विशेष उड़ानों से भारत पहुंचे हैं। जयशंकर ने ट्विटर पर एक बयान में कहा, सुमी के छात्र आज भारत लौट रहे हैं, उनकी निकासी विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर बताया है कि CBSE बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट आज जारी नहीं होगा। दरअसल एक फर्जी पोस्ट में दावा किया गया था कि बोर्ड 12वीं कक्षा के परिणाम आज दोपहर 2 बजे जारी करेगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए CBSE बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाए और महज सोशल मीडिया पोस्ट में दी गई जानकारियों पर भरोसा न करें। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार पंखुरी पाठक को नोएडा विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा है। पंखुरी को सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते हैं, परंतु चुनाव में उन्हें फॉलोअर्स की संख्या के 10% वोट भी नहीं मिले। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है और अब तक यूक्रेनी सिपाहियों को लगता था कि अमेरिका, नाटो उनकी मदद के लिए आएंगे। ये बात यूक्रेन को बहुत लेट समझ में आई कि पश्चिमी देश उससे जुल्म में फंसा रहे हैं, और उनकी यही चाल ही थी कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हुआ तो वो इस तरह षड्यंत्र रचेंगे कि दोनों देश के बीच हमले शुरू हो जाए, और अंत में हुआ भी यही। पाकिस्तान की वो देश है जिसने सबसे पहले उत्तर कोरिया को परमाणु बम से बनाने की टेक्नोलॉजी दी थी, और उसके बाद ही उत्तर कोरिया पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की गई है उसने उत्तर कोरिया को बुरी तरह से भड़का दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रूसी सरकार के अनुरोध पर शुक्रवार को एक आपात बैठक बुलाई गई है, जब मॉस्को ने दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन की प्रयोगशालाओं में जैविक हथियार के विकास के लिए धन मुहैया करा रहा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को चुनावी हार के बाद लोगों की याद आ गई है। मतदान के लिए लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए शुक्रवार दोपहर को सिद्धू बेरेका पहुंचे, और विभिन्न वार्डों में जाते हुए उन्होंने उनके पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। 4 राज्यों में भाजपा की धमाकेदार जीत के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का पहली बार बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 4 राज्यों में जीत के बाद विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वो चेकअप कराने के लिए एक कॉरपोरेट अस्पताल पहुंचे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पेयजल और स्वच्छता और जल संसाधन के विषय पर बुधवार को सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने सरकार के पक्ष में सदन में बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कई ऐसे क्षेत्रों में आज भी लोग आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गई है। पंजाब विधानसभा में पहली बार बिहार के गोपालगंज जिले का लाल कुंवर विजय प्रताप सिंह वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने IG के पद पर VRS लेकर आम आदमी पार्टी से सिंबल पर अमृतसर के नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस केवल 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सिमट कर रह गई है, जबकि मई 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पीएम मोदी सत्ता में आए थे तब कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या 9 थी। कांग्रेस की हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं हैरान हूं, पार्टी की हार देखकर मेरा दिल रो रहा है। हमने पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी और जवानी दे दी। मुझे भरोसा है कि पार्टी का नेतृत्व सभी कमजोरी और कमियों पर ध्यान देगा जो मैं और मेरे साथी पिछले कुछ समय से उठा रहे हैं। केंद्र सरकार इस साल अपने कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करके होली का तोहफा दे सकती है। 16 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों का DA बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। अगर कोई समझौता होता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा 31% से बढ़ाकर 34% किया जा सकता है। भारत ने शुक्रवार को COVID-19 मामलों के साथ साथ COVID-19 से जान गंवाने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के दैनिक COVID-19 मामलों में 4,194 की वृद्धि हुई, जिसमें COVID-19 मरीजों की संख्या 42.98 मिलियन हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि शुक्रवार को दैनिक COVID-19 मौतों में 255 की वृद्धि हुई है, जिससे कुल मृत्यु का आंकड़ा 5,15,714 हो गया है। जो कैंडिडेट सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। भारतीय थल सेना में वैकेंसी निकली हुई है। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय सेना द्वारा पुरुष कैंडिडेट के लिए 59वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन और महिला कैंडिडेट के लिए 30वें शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक एंट्री के लिए नोटिफिकेशन 8 मार्च को जारी किया गया था।
रूसी संघ के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर पंकिन ने कहा है कि यूक्रेन में सैन्य अभियान को लेकर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के परिणाम यूरोप को भुगतने होंगे। समाचार पत्र इज्वेस्टिया को दिए गए अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा, आप हम पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभाव अभी से देख सकते हैं, जो पश्चिमी यूरोप पर भी पड़ने वाला है। यह हम पर निर्भरशील है। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि राज्यपाल ने उनसे आग्रह किया है कि वो नई सरकार का गठन होने तक कार्यवाहक सीएम का पद संभालते रहेंगे। सीएम चन्नी ने कहा है कि मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है, उन्होंने मुझे और कैबिनेट को नई सरकार के शपथ ग्रहण तक जारी रहने के लिए कहा है, मैं लोगों के जनादेश को स्वीकार करता हूं। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच शपथ ग्रहण के साथ मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही इस पर चर्चा हो सकती है कि शपथ ग्रहण में किसे बुलाया जाए। श्रीलंका का खाद्य संकट इतना गहरा गया है कि वहां लोगों के लिए सोना खरीदने से ज्यादा मुश्किल दूध खरीदना हो गया है। 54 साल की श्यामला लक्ष्मण दूध की तलाश में राजधानी कोलंबो की सड़कों पर देर रात दुकान दर दुकान भटकती रही ताकि उन्हें दूध का पैकेट मिल जाए। ओएनजीसी में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इसके लिए ओएनजीसी ने पेट्रो एडिशंस लिमिटेड के तहत मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ONGCIndia.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यूक्रेन पर युद्ध के बाद पाबंदियों की मार झेल रहे रूस के साथ चीन ने खेल कर दिया है। इंटरफैक्स न्यूज ने रूस के एविएशन अथॉरिटी के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि चीन ने रूसी एयरलाइंस को विमान के पुर्जे की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है। बैन के मामले में रूस इस समय दुनिया में पहले पायदान पर है। यूक्रेन पर हमले के कारण अमेरिका और यूरोप समेत सहयोगी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध के मामले में वो ईरान से काफी आगे निकल चुका है। उसका $630 बिलियन का रिजर्व किसी काम का नहीं रह गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 37वें स्थापना दिवस पर कहा कि प्रभावी पुलिसिंग के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जुड़ना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि सीबीआई, एनआईए और एनसीबी को भी अपने एफआईआर की डिटेल CCTNS पोर्टल पर लिंक करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से सभी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख के साथ इस बारे में मीटिंग करने को कहा। 5 में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत के एक दिन बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव परिणाम जारी होने के अगले ही दिन पीएम मोदी गुजरात पहुंच गए हैं। वो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। यहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में पीएम मोदी आज मेगा रोड शो के जरिए भाजपा की चुनावी तैयारियों का शंखनाद करते देखे गए। नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने रेलवे स्टेशन पर को ब्रांडिंग, स्टेशन ब्रांडिंग या फिर सेमी नेमिंग अधिकारों की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यानी कि अब सरकार और व्यावसायिक घरानों के ब्रांड या लोगों का रेलवे स्टेशन के नाम से पहले या फिर बाद में लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सचेत किया है। जॉर्जीवा ने कहा है कि ग्लोबल मार्केट में एनर्जी की बढ़ती कीमत संकट पैदा कर सकती है। आईएमएफ प्रमुख ने भारत सरकार को सलाह भी दी है। जॉर्जीवा ने कहा है कि भारत को अपनी मौद्रिक नीतियों में भी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की जरूरत है। सरकार को समाज के जरूरतमंद तबके के लिए अपना खजाना खोलना ही होगा। शुक्रवार को चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग ने कहा है कि रूस के खिलाफ लगी रोक से कोविड वैश्विक आर्थिक सुधार को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को बातचीत से हल करना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का भारत पर भले ही प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर हमारा देश भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन ने बड़ा बयान दिया है। कचियांग ने 13वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के 5वें सेशन को संबोधित करते हुए कहा, विश्व अर्थव्यवस्था कोविड के कारण पहले से ही संघर्ष कर रही है। रूस के खिलाफ प्रतिबंध विश्व आर्थिक सुधार को नुकसान पहुंचाएगा, ये किसी के हित में नहीं है। फिल्म निर्देशक और निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स आज यानी शुक्रवार को रिलीज होने के लिए तैयार थी। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि फिल्म को थोड़ा और इंतजार करना होगा। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार शालिनी का दावा है कि फिल्म में उनके पति की भूमिका को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। आप सभी को बता दें कि शालिनी ने 4 मार्च को हुई फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में इसे देखा था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विपिन कुमार, सुमन सौरभ, फैजल खान, राजकुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, सलीम खान, दिव्यांशु कुमारी, सलीम कुमार, विश्वनाथ कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए क्या आपके आसपास अभी भी लोग कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।